नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क के इस फेसबुक लाइव में। 10 महीने का टाइम, किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठा हुआ है। और आपको बता दूं कि आज 27 तारीख है और किसानों ने, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर लगभग 10 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। आपको बता दूं कि ये जो रोड है ये खोल दी गई थी, ओपन कर दी गई थी, लेकिन आज इस सड़क को बंद कर दिया गया है पीछे से ही, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। धूप पड़ रखी है, यानी कि कड़कड़ाती धूप में भी किसान अपनी मांगों को लेकर, यानी कि उनका जो हौसला है वो इतना बुलंद है कि कड़कड़ाती धूप में भी किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, उठने के लिए तैयार नहीं है। कुछ किसान भाई हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इधर देख सकते हैं आप, चहल पहल नजर आ रही होगी, किसान भी हैं और ट्रैक्टर पर भी जादौन साहब हैं, वो बैठे हुए हैं। अपना ट्रैक्टर का मुँह उन्होंने जो घुमा रखा है वो दिल्ली की तरफ घुमा रखा है, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी, कैसे हो आप? ठीक है, धूप धाप नहीं लग रही क्या? अरे भाई, हमारा तो जन्म ही ऐसी जगह होया है, देश को बचाने के लिए और देश को खिलाने के लिए। हमें तो ना धूप लगे ना गर्मी लगे, सब चीज की बर्दाश्त है, क्योंकि हमें देश का पेट भी पालना है और हमें देश की रक्षा भी करनी है। कैसे काम चलेगा, 10 महीने तो बीत गए। देखिए, अभिमान टाइम लगता है, गलती हमारी है, हमने सरकार बनाई है, हमें सरकार से भी प्यार था, बहुत कुछ समझाने की बात करी, लेकिन कभी आंदोलन खाली नहीं जाता, कभी कुर्बानी खाली नहीं जाती। तो सुन तो ली, 25 रुपए बढ़ा तो दिए योगी जी ने। हाँ मेरे भाई, 25 रुपए बढ़ा दिए 7 साल में, प्रधानमंत्री जी 7 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, दुगनी की बात कर रहे थे, तो हमारा दुगनी की इतनी बात करी कि देखिए आप 7 साल से लगाइए, हमें जो मिलने वाली चीजें कहाँ चली गई, एक मिनट, कितनी रेटों पर चली गई, जरा उन चीजों का हिसाब लगाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एमपी एमएलए को कौन सी इतनी बड़ी तनख्वाह की जरूरत थी जितने क्या भत्ते और इतने तनख्वाह बढ़ा दें, और किसान के लिए 25 रुपए, वो भी इतने बड़े दबाव में, अन्ना ये 0 भी ना बढ़ाते। भाई साहब, ये समझ लो सरकारी संस्था ने 325 रुपए गन्ने की लागत बताई है, इनकी सरकारी संस्था 52 क्विंटल का। हाँ 352 भी बताएं खर्चा और 325, और रेट दे रहे हैं ये 350, तो हमें तो जी अब तो 25 रुपए भी बढ़ गए। आज आपने भारत बंद कहा था, भीड़ भाड़ तो नजर नहीं आ रही। देखिए, आंदोलन भीड़ गांवों में है, ये सब जगह बंद है। हमने जो रोड अब यहाँ कुछ चल रहा है, हमें रोड रोकना था, संदेश देना था, किसान के साथ सारा मजदूर व्यापारी छोटा, ये सारा बेरोजगार छात्र सब लग गए हैं। क्यों, पहले तो किसान था, ये कहते थे मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान ने तीसरी बार अब के मतलब रोड जाम किया है, रोड ब्लॉक किया। रोड तो आपने पिछले 10 महीने से ये वाली भी जाम कर रखी बगल वाली, लेकिन सरकार नहीं करी, लेकिन सरकार कहीं झुक थोड़ी रही है, सरकार कहाँ बातचीत हो, बात कहाँ हो पा रही आपकी? दिल्ली जा रहे थे, इन्होंने ये कील लगाई, बैरिकेटर लगा दिए, और फिर भीत चिंदई सीमेंटेड, ये तो हमको अंदर जा रहे थे, हमें तो इनसे काम है, हमें संसद पे सुट जाएगी हमारी समस्या, रोडों पर तो इन्होंने डाला है तो रहे। कृषि कानून कृषि जो मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं तोमर साहब, यूं कह जी आंदोलन से काम नहीं होगा, आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होगा, वार्ता के लिए किसान आए, हम वार्ता को तैयार है। करें कहाँ करें कृषि मंत्री जी से, कहीं जगह बताइए, कोई लेटर भेजा है किसानों ने तो पहले लेटर भेजा सरकार के पास, एक वार्ता खोलिए, हम वार्ता करना चाहते हैं, क्या हम जुर्मी हैं, क्या डकैत हैं, चोर हैं जो हम इनको इतना जलील किया जा रहा है? कल आप वहां नहीं गए वहाँ मुजफ्फरनगर जो एक बार किसानों ने वो किया था? कौन है वो किसान? वो आपको किसान नहीं, वो संघ के हैं, वो किसान बीजेपी के हैं, संघ परिवार से हैं, वो किसान कहाँ है, किसान को वो क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं एमएसपी की इनको कानूनी गारंटी दे दो, एमएसपी की कानूनी गारंटी हमको झुंझुना दे रही है सरकार, हम चाहते हैं कानून वापस हो,
जिससे इस देश का उज्जवल भविष्य बने और देश बचे, नहीं ये पूंजीपतियों के हवाले देश को करना चाहते हैं। किसानों में भी डिस्प्यूट है क्या, कुछ किसान नकली किसान, असली किसान, पहले आपको नकली किसान बताया गया? उनको नकली नहीं कहते, वो हमसे कहे, पर वो तो बीजेपी के ही है वो किसान। तो जो यहाँ मैं चिल्ला बॉर्डर पर रहा हूँ, भानु ने चिल्ला बॉर्डर घेरा, और भानु जी तो यूँ कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी भ्रष्टाचारी हैं, पैसा ले रहे हैं कांग्रेस से। अब तो पता पड़ गई है बात कि कौन है भ्रष्टाचारी। सुनिए सुनिए भाई, ये बात अपने आप खुल जाती है। भानु 2 महीने के लिए क्यों आया, क्यों किसानों को ठंड में पटका? जब उसे वो नोट मिल गए, उसको लेकर भग गया यहाँ से। तो ऐसे आदमी को तो किसानों की बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं उससे क्या कहूँ, वो आप ही समझ लेगा। तो कह रहे हैं कि अरे तो वो तो मैं एक बात कहूँ, ये सूरज है, इसकी तरफ हम धूल उठता है। मैं हूँ सूरज, मेरा नाम है भानु प्रताप, जला दूंगा मैं। अरे नाम से नहीं बनता, कर्म से बनता, उसे रोज मैंने देखा है। मैं उसके साथ 1 महीने 3 दिन रहा हूँ और मैं उसकी यूनियन का कुछ नहीं हूँ। मैंने यहाँ तो भी सदस्यता ले ली है किसान यूनियन की, और न मैं अभी पदाधिकारी भी नहीं हूँ। पर जो जुलम उसने किया है हमारे साथ में, किसानों के साथ में, ऐसे आदमी को या तो चुप घर में बैठ के रहना चाहिए, और नहीं उसको कोई किसान माफ नहीं करेगा। उसको खूब दिखा, दलाल है, बेहा है, बेशरम है, जो अब भी उल्टा बोलता है। क्यों भगा यहाँ से, क्यों आया यहाँ और गया क्यों फिर? तो कह रहा मैं तो बात करने जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा। कौन तो करेगा बात? सरकार से बात करे तो मान जाएगी, वहाँ की बात मान जाएगी। ये पूरा देश का किसान, तू क्या बात करेगा? करवा दे, बनवा दे, तेरे अंदर हो तो वो हमारे बिलों को वापस करवाए। यूँ कहने से क्या होगा, हमें MSP गारंटी देवा, प्रणाली का कानून बनवा, तू ही बनवा दे। हम कह रहे तेरी जो मानते हो तो क्यों? और हमारा बिजली का बिल बढ़ गया है, ये 75 है हरियाणा। जब ये प्रधानमंत्री कहता है एक देश एक कानून, तो कहाँ है हरियाणा में 75 उतनी बिजली का बिल, हमारे यहाँ 170 रुपए। सबसे बड़ी बात है कि किसान नाराज, आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आज भारत बंद है, जिसका आज की डेट में हर चैनल पे चर्चा हो रही कि अब क्या करा सरकार ने, आम आदमी को खड़ा कर दिया, और मीडिया में यही दिखाया जा रहा है कि 10 महीने से किसान ने परेशान कर रखा है। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर ये बात आम आदमी के दिमाग में मीडिया के थ्रू डाली जा रही है, और ये लड़ाई किसान और किचन की है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, ये बात मोदी जी को भी बोलनी चाहिए। एक, एक, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरीके से कहा गया था कि यदि कोई इमरजेंसी है तो उसको नहीं रोका जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आज भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस जा रही है, उसको रास्ता दिया जा रहा है, बकायदा रास्ता दिया जा रहा है एम्बुलेंस, क्योंकि इसमें मरीज भी हो सकता है और शायद ये मरीज को लेने भी जा रही होगी। तो ये एक बड़ी बात है कि कहा गया था कि एम्बुलेंस या फिर कोई इमरजेंसी सेवा है उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस को भेज दिया गया है। और तमाम यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं, भरी धूप में भी, मंच की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ मंच सजता था, लेकिन टिकैत साहब अभी ऊपर नहीं आए हैं। बार बार कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, बातचीत करेंगे, टिकैत साहब अभी ऊपर नहीं आए हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। 10 महीने का समय बीत गया है, लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकलता हुआ आ रहा है। वार्तालाप हुई सरकार से, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस बीच कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की फसल पर 25 रुपये भी बढ़ा दिए, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, डटा हुआ है। और लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं। हाँ जी, कैसे हो? आपके सामने है, गर्मी नहीं लग रही, धूप नहीं लग रही, ऐसे कैसे चलेगा मामला? भाई नस्ल और फसल की लड़ाई है, अगर इसमें हम गर्मी, धूप, बरसात और सर्दी देखेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे? आज तो भीड़ है ही नहीं, जैसे आपने भारत बंद का ऐलान किया था, यहाँ हमने कवरेज करी पहले, हजारों की संख्या में भीड़ हुआ करती, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ, भीड़ कहाँ चली गई? देखिए ऐसा है, भीड़ पहले दिल्ली के बॉर्डरों पे आती थी, अब जो ये भीड़ है और जो किसान है, ये अपने अपने जिले में और अपने अपने ब्लॉक में और गाँव में जाके बंद रहा है। और आप देखिए, अभी आज तो नेशनल मीडिया भी दिखा रहा है, बंद का व्यापक असर दिख रहा है पूरे देश में। किसानों के साथ साथ जो आम जनता है वो भी बंद के समर्थन में है, और बंद का बड़ा ही सकारात्मक संदेश जा रहा है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, भारत की किसानी खतरे में है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी खतरे में, और भारत का आने वाला भविष्य भी खतरे में है।
₹25 बढ़ा दिए कल योगी जी ने, किसान खुश है एकदम, यूं कह रहा आप तो गदगद हो गए। नहीं, ₹25 बढ़ाने से क्या होता है, जो हमारी मुख्य जो मांगे हैं उनको कब मानेगी सरकार, जिन मांगों के लिए हम लोग पिछले 10 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, 10 महीने पूरे हो चुके हैं। राजनीति कर रहे हो आप तो, ये कह रही है सरकार की राजनीतिक लोग जुट गए किसानों के साथ और राजनीति कर रहे हैं, बहका रहे हैं उनको। जो असली किसान है वो तो अब खेत में काम कर रहा है, उसी के लिए तो ₹25 बढ़ा दिए हमने। भाई देखो, जो मौजूदा सरकार है इसका काम है जनता के बीच में भ्रम फैलाना, तो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये लोग व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं और मरते दम तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। 2022 चुनाव तक रहेगा ये, फिर आगे तक रहेगा 2024 तक रहेगा, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता। सत्ता परिवर्तन हो गई उसके बाद भी अगर नहीं मानी दूसरी सरकार फिर क्या करेंगे, तो फिर आंदोलन चलेगा, ये तो नहीं चलता रहेगा, जनता को परेशान करते रहोगे, सड़क जाम करते रहोगे। जनता कहीं परेशान नहीं है, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे दर्द को समझ रही है। महंगाई आप देख लीजिए, महंगाई दिनों पे दिन बढ़ रही है, तो ये जो सरकार है ये व्यापारियों के लिए काम कर रही है, ये दलाली को और जो पूंजीवादी व्यवस्था है और जमाखोरी है उसको बढ़ावा दे रही है। हमारी लड़ाई जो है ना ये व्यापारियों से लड़ाई है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है इससे हमारी लड़ाई है। हमें तो योगी को हराने के लिए बैठे हो यहाँ, व्यापारियों से कहाँ लड़ाई है, लोग कह रहे हैं कि योगी को भगाओ, बीजेपी हटाओ। योगी को सत्ता में कौन लाया, व्यापारी तो लाए, जो बीजेपी पार्टी है ये व्यापारियों की और पूंजीपति तो लेकर आए थे, आप भी तो लेकर आए थे, किसानों ने वोट दिया था ना। हमसे गलती हो गई, हमसे तो ये कहा था कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे, हमारे जो बकाया पेमेंट है एक हफ्ते के अंदर उसका भुगतान कर देंगे। अब देख लो एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल हो गए हमारे भुगतान नहीं हो रहे हैं, पेमेंट डबल की बात तो छोड़ दो, जो एमएसपी पे खरीद है वो तक नहीं हो रही है। तो ये तो सरकार पिछली सरकारों से भी गई गुजरी है, पिछली सरकारें कम से कम बिजली पानी में तो किसानों के लिए कुछ सब्सिडी देती थी, इस सरकार ने तो बिजली पानी सिलेंडर ये सारी चीजें महंगी कर रखी और डबल से ज्यादा कर दी, डीएपी की कीमतें बढ़ा दी है। हमारे लिए तो ये लगा लीजिए बिल्कुल मरने का रास्ता जो है वो खोद के रखा है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, किसान आंदोलन की तस्वीर आपको दिखा दूं। आज भारत बंद है, सबसे बड़ी बात है शाम 6 बजे तक भारत बंद का एक आह्वान किया गया था, उसी तर्ज पर आज भारत बंद है। लेकिन यहां पर जो किसान बैठे हुए हैं, ये रोड चलती थी, ये रोड आज बंद कर दी गई है, और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, कब जाओगे घर भैया? अब तो इन्हें उठा के उठेंगे, ये ना सुनने वाले, तो या तो ये मान जाए नहीं तो फिर जाने की तैयारी कर लें। जो है हमारे गन्ने पे बढ़ा दिए इनने 25 पैसा किलो, ठीक है, वो अपना डीजल महंगा कर लिया 30 रुपए लीटर, उस पर भी ढोल बजा रहे हैं ऐसे ऐसे कर 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 कर। अच्छी बात है, गन्ने पे 25 रुपए बढ़ा दिए, 25 पैसे किलो पड़ गए, हमारे तो किलो पे 25 पैसे, अपने किलो पे बढ़ा दिए 30 रुपए। अरे किलो पे ही तो, अरे जब अपने कर रहे हैं जो लीटर पे, लीटर और किलो एक ही बात हो गए मिली जुली भाई लाला, थोड़ी बहुत अंतर पड़े, ठीक है, तो अपने पे बढ़ा लिए 30 रुपए, हमारे पे 25 पैसे बढ़ा दिए, उस पर जो ढोल बजा रहे हैं कहो नाचो नाचो नाचो, तो कैसे नाचे इनके कहने से। आज भीड़ इतनी कम क्यों है? भीड़ तो भैया जो गर्मी हो रही है इनमें से, ये 56 इंच का सीना का है जो है, इसमें हिम्मत हो तो यहाँ आ जाए, 2 घंटे बैठ ले हमारे बीच में।